बिस्मिल्लाम असला वरक उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग और आफ़ियत होंगे आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर पैंतीस जो कि है पास्ट कंटिन्यूस के बारे में और हम इसके पैसिव वॉइस वाले हिस्से के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो तो हमने कल पढ़ा था कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कन्टिन्यूस के बारे में और मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते कहते हैं उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में रहा है रही है रहे हैं रही हूँ वगैरह आए तो उनको हम बोलेंगे प्रजेंट कंटिन्यूस और आगे हमने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हम कब करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई काम आप कर रहे हो और बात करते वक्त यानी जब आपसे पूछा जाए और आप उसका कोई काम कर रहे हो तो उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन जिस वक्त बात की जा रही है उस वक्त तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से मुस्तबिल करीब में कोई काम होने वाला है या आप करने वाले हैं तो उसको भी बतलाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं अगर हमने पढ़ा था कैंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूस इसकी कुल कितनी किस्में होंगी इसकी कुल चार किस्में होंगी पहले को अफर्मेटिव कहेंगे दूसरे को नेगेटिव कहेंगे तीसरे को इंट्रोगेटिव कहेंगे चौथे को इंट्रोगेटिव नेगेटिव का नाम देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो उसका हेल्पिंग वर्ब इस बीइंग है आर बीइंग है और एम बीइंग है और इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के पेसिवाइज के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे अफर्मेटिव में उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम में कोई एक उसके बाद बिंग उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म उसके बाद दीगर वर्ड्स और यहाँ पर अगर आप डोर को लाना चाहते हैं तो बाय के साथ आप जोड़ देंगे और उसके ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पर आप लिख देंगे इसी तरह से अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम उसके बाद नॉट उसके बाद बिंग लगा देंगे उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उसके 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 बाद helping वर। helping वर। उसके बाद subject, उसके बाद being, बाद बाद हेल्पिंग हेल्पिंग में इज आर एम सब्जेक्ट बीइंग की थर्ड फॉर्म दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे और अगर आप डोर को लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाई के साथ डोर को ला देंगे और उसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग ऑफ इज आर एम उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट उसके बाद बींग उसके बाद वर्ड के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद दीगर वर्ड्स पाएंगे और यहाँ पर आप डोर को भी ला सकते हैं ये अदर सोर्स को कभी कभी बाद में भी आता है और कभी कभी पहले आ जाता है जरूरत के हिसाब से हम इसको बदलते रहते हैं तो ये सारी बातें थी जो हमने कल ग्रामर के हिस्से में सीखी आगे आगे चलते हैं और हम लेते हैं एक्सरसाइज जो कि सबसे पहले बखेबली मानी पर मुश्तमिल है और हमारे ये अल्फाज मानी स्टार्ट हो रहे हैं एक्सलेटर एक्सलेटर एरियल फ़ज़ाई हवाई एरोप्लेन, हवाई जहाज एयर होस्टेस, एयर होस्टेस या एयर एयर होस्ट, एर पंप, एयर पंप ये यहाँ पर हवा भरते हैं आप एयरलाइन एयरलाइन एयरपोर्ट हवाई अड्डा या एयरपोर्ट भी आप कह सकते हैं एम्बुलेंस एम्बुलेंस अराइविंग ट्रेन आने वाली ट्रेन बैक लाइट पीछे की लाइट या पीछे वाली लाइट आगे चलते हैं उर्दू से इंग्लिश लेते हैं बैटरी बैटरी बेल्ट बेल्ट साइकिल बाइसिकल, बाइसिकल बाइसिकल कश्ती बोट कार का बट बोनेट बुकिंग ऑफिस बुकिंग ऑफिस पुल या ब्रिज ब्रिज बम्पर, बम्पर को हम बम्पर कहते हैं बस बस कप्तान कैप्टन कैप्टन ओके अल्फाज मानी थे असमां से मुल नाम से मुताल अब आगे चलते हैं और अफाल की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें से पहला है पेंट, पेंटेड 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 रंगना पार्टिसिपेट participated, participated, हिस्सा लेना pass, past, passed गुजरना इसी तरह से एग्जाम यानी इम्तहान में पास होना भी होता है कई सारे माने पास के पास करना भी होता है कोई चीज़ गुजारना किसी की या आज से दूसरे आज की तरफ परफॉर्म 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 अंजाम देना फोन 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 टेलीफोन करना यानी फ़ोन करना प्ले प्लेड प्लेड खेलना प्लीज 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 खुश करना पॉलिश पॉलिस्ट पॉलिस्ट रंगना पॉल्यूट पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड गंदा करना प्रेस प्रेस्ड प्रेस्ड तारीफ करना आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसिंग की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें से पहला है दिस इज नॉट एन मी तुम कहेंगे ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है यह मेरे लिए नाकाफी है दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई एक्सपेक्टेड तुम कहेंगे ये ठीक उसी तरह है जैसी मैंने उम्मीद की दिस इज़ नॉट माई बिजनेस तुम कहेंगे ये मेरा काम नहीं है दिस इज वाट इज अंडर कंसिड्रेशन तुम कहेंगे ये मौजुआ बहस है दिस इज वाट वी फेयर तुम कहेंगे हमें इसी का डर था आगे चलते हैं उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं ये घड़ी सही वक्त बतलाती है तुम कहेंगे दिस वॉच में धागा डाल दो तुम कहेंगे थ्रेड द नीडल अपने जूते के तस्मे बाँध लो तुम कहेंगे टाई शू लेसेस समझने की कोशिश करो तुम कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड सामान खोल दो तुम कहेंगे अनफै द लगेज तो हमारे रोजाना इस्तेमाल होने वाले जुमले हुए आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे ग्रामर एक्सरसाइज जो कुछ हमने आपको ग्रामर से मुताल काम दिया था उसको हम चेक करेंगे उसको मिलाएंगे तो सबसे पहले हम उर्दू में तर्जमा करेंगे पहला हमारा जुमला है नए तलबा को तरबीत दी जा रही है हमारा अगला जुमला है इज द वीडियो बींग रिकॉर्डेड तुम हम कहेंगे क्या वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है या आप कह सकते हैं क्या वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है या आप कह सकते हैं क्या वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है सब चल जाएगा जा ओके हमारा अगला जुमला है द फीफा वर्ल्ड कप इज बिंग वॉश वाइडली हम कहेंगे फीफा वर्ल्ड कप को बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है या वसी पैमाने पर देखा जा रहा है हमारा अगला जुमला है वाई आर क्रिमिनल्स नॉट बींग फुट बिहाइंड बार्स तो हम कहेंगे मुजरिमों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा है फुट बिहाइंड द बार्स जेल में डालना है सलाखों के पीछे डालना दोनों चल सकता है अगर आपने किया मुजरिमों को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है तो भी सही है या मुजरमों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा है तो भी सही है हमारा अगला जुमला है वॉट इज बींग कु फॉर डिनर टूडे तो हम कहेंगे आज रात के खाने में क्या पकाया जा रहा है या क्या पक रहा है भी आप कह सकते हैं पकाया जा रहा है के बजाय आप क्या कह सकते हैं क्या पक रहा है तो हमारे जुमले थे इंग्लिश से हमको उनको उर्दू में करना था आगे चलते हैं और हम इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे पहला हमारा जुमला है लोगों को नाश्ते के लिए बुलाया जा रहा है तो हम कहेंगे पीपल आर बींग इन्वाइटेड फॉर ब्रेकफस्ट हमारा अगला जुमला है अभी अम्मी के कपड़े धोए जा रहे हैं तो हम कहेंगे मोम्स क्लास आर बींग नाउ यह आप कह सकते हैं एट दिस टाइम अभी एट दिस टाइम ओके नाउ कहम नाउ को आप पहले भी ला सकते हैं आप कह सकते हैं नाउ मॉम्स वॉश्ड ठीक है दोनों चल जाएगा हमारा अगला जुमला है क्या तुम्हारी गाड़ी की मरम्मत की जा रही है तुम कहेंगे इज योर कार बींग रिपेयर इज योर कार बींग रिपेयर हमारा अगला जुमला है मैदान में फुटबॉल खेला जा रहा है तो हम कहेंगे फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन द फील्ड हमारा अगला जुमला है बच्चों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है तो हम कहेंगे वाई आर चिल्ड्रेंस बींग अरेस्टेड वाई आर चिल्ड्रेन बींग अरेस्टेड तो हमारे जुमले हैं और अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इनमें हमने जो है सारे फार्मूले जो कुछ हमने आपको पढ़ाया था जो कुछ बताया था वो सारे फार्मूले इसमें लागू किए गए हैं क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन को अफर्मेटिव अफर्मेटिव में अफ्रेमेटिव को सारी चीजें आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैच करेंगे तो वाजे हो जाएगा आगे चलते हैं और हम मजीद एक्सरसाइज यानी होमवर्क करते हैं जिसमें से हमें करना था पैसी वाइज में और हमारा पहला जुमला है दे आर नॉट वॉचिंग द आई पी एल टूडेगे आई पी एल इज नॉट हमारा अगला जुमला है द बॉयज आर रीडिंग लेसन लाउडली तुम कहेंगे लेसन्स आर बींग रेड लाउडली बाई द बॉयस हमारा अगला जुमला है द फार्मर इज सोइंग सीड्स इन द फील्ड तुम कहेंगे सीड्स आर बींग सोड इन द फील्ड बाई फार्मर अगला जुमला हमारा माई ओल्डर सिस्टर इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स बट शी इज चेंटिंग पोएम्स तुम कहेंगे सॉन्ग्स आर नॉट बींग संग बाय माई सिस्टर बट पोएम्स आर बींग चेंटेड बाई हर तो इसमें दो जुमले थे पहला गाने वाला दूसरा शीज शिंग पोएम्स तो यहाँ पर हमने वो सारे फार्मूले लागू किए हैं जो कुछ हमने आपको पढ़ाया या बताया हमारा अगला जुमला है वाई इज हमूद मेनी सेल्फीज हमूदनील्फीज कहेंगे वाई आर मेनी सेल्फीज बी टेकन बाई हमूद हमारा अगला जुमला है वाई इज राइटिंग अ लेटर टू ही बर्दर तो हम कहेंगे वाई इज अ लेटर बींग रिटन बाई जैद टू हिज ही ब्रदर ओके तो ये हमारे एक्टिव से एक्टिव वाइज से पेसी वाइज का होमवर्क था उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा ही किया होगा और इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी सेम होगा इसमें ट्रांसलेशन में हो सकता है अल्फाज का फ़र्क हो लेकिन एक्टिव वाइज में तो फ़र्क नहीं होना चाहिए ठीक है तो अगर आपने इसी तरह किया तो गोया कि आपने बिल्कुल सही समझा सबक को अगर इस तरह नहीं किया कुछ इधर उधर किया तो एक बार फिर से आप सबक को देखें उसको पढ़ें उसको समझें ताकि आप होमवर्क को सही तरीके से करें तो यहीं पर हमारा ये होमवर्क खत्म होता है अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर पैंतीस जो कि है पास्ट कंटिन्यूस के बारे में लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएं फिर इंशाल्लाह हम अपना नया सबक पढ़ते हैं ओके okay गाइस हमने बड़े के लिए आगे चलते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला सबक जो कि है पास्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस किसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में रहा था रही थी रहे थे रही थी वगैरह आए तो उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस मिसाल के तौर पर आप कहेंगे आम खाया जा रहा था आम खाया जा रहा था Osionfish. आप कहेंगे मेरी गाड़ी नहीं बेची जा रही थी यानी आप बात कर रहे थे पास्ट के बारे में तो यहाँ पर यह जुमला आ सकता है ठीक है तो इस इन जुमलों को हम कहेंगे कहेंगे इन जुमलों को हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हम कब करते हैं पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हम एक ही माने में करते हैं माजी में कोई काम हो रहा था या कोई काम किया जा रहा था उसको बदलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की कुल चार किस्में होंगी पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव पांच कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव पांच कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव ठीक है पांच कंटिन्यूस के अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें पेसी वाइस में तो इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज वाज बीइंग 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 एंड वर का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं वाज बीइंग का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं इसी तरह से आई के साथ भी हम वाज इस्तेमाल करेंगे और वर बीइंग का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी जमा हो दो हो या दूसरे जायद हो इसी तरह से यू जो कि सिंगुलर यानी वाहिद वादो एक हो उसके साथ भी हम वर्ड बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो पैसिव वॉइस की जितनी भी शक्लें होंगी सब में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव किसे कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें रहा था रही थी वगैरह आया हो और उसमें ना तो नफी हो ना ही सवाल किया गया हो जैसे कि आप कहेंगे मस्जिद में खाना तकसीम किया जा रहा था या खाना बांटा जा रहा था आप कहेंगे आपको तकरीर के लिए बुलाया जा रहा था या स्टेज पर बुलाया जा रहा था जो भी तो आप कहना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ना तो नफ़ी है और ना ही सवाल किया गया है और यहाँ पर जा रहा था और जा रहा था वगैरह आया हुआ है तो उसको बुलेंगे पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर का आपके सामने सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में आप वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका होगा पास्ट कंटिन्यूस अफरमेटिव अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल देख सकते हैं आप मस्जिद में खाना तकसीम किया जा रहा था आपको तकरीर के लिए बुलाया जा रहा था तो हम कहेंगे फूड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मॉस्क आप कहेंगे यू आर बीइंग इनवाइटेड बींग स्पीच और आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब बीइंग की वर्फ बींग दीगर वर्ड्स यहाँ पर आप, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पर हमने सब्जेक्ट लिखा है हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब वर्ब की जगह हमने लिखा है बींग को हमने बीइंग की जगह पे लिख दिया है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को और यहाँ पर दीगर वर्ड पाए गए इसको हमने यहाँ पर इनको लिख दिया है तो हमारा क्या है यह है आपका पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव जब आप डूअर को यानी करने वाले को नहीं जाहिर करना चाह रहे लेकिन अगर आप करने वाले को भी जाहिर करना चाह रहे कि किसके जरिए काम किया जा रहा है तो उसका वही स्ट्रक्चर होगा बस हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देंगे और हम सबसे पहले सब्जेक्ट कहेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ड में वाज यर्ड का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद बाय उसके बाद डूअर और उसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे उसके बाद दीगर वर्ड्स को आप लिखेंगे तो हमारा जो खाका वो सामने आएगा वो होगा पांच कंटिन्यूस अफरमेटिव का खाका अगर हम इसके मिसालों को देखें तो इसकी मिसाल में है अहमद खाना खा रहा था और मैं खतूत लिख रहा था तो अगर आप कहना चाहते हैं अहमद खाना खा रहा था तो आप कैसे कहेंगे अहमद वाज टेकिंग या ईटिंग फूड एक्टिव वाइज बनेगी वाइज क्या बनेगी फूड वाज बीइंग टेकन बाय अहमद इसी तरह से मैं खतूत लिख रहा था इसको कैसे बनाएंगे आई वॉज राइटिंग लेटर्स एक्टिव वाइज वाइज कैसे बनेगी इसकी लेटर्स वॉर बीटन बाई मी ठीक है अब हम इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट लिखा है लिखा है और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया है बाई की जगह पे हमने बाई लिख दिया है और यहाँ पर डोर को हमने यहाँ पर जाहिर कर दिया है आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मी लिखा है क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो मी ही बनता है और चूंकि अहमद का अहमद ही रहेगा हमेशा इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अहमद ही लिखा कोई चेंजिंग इसमें हमने नहीं लाई है तो ये आपका पूरा खाका है पास्ट कंटिन्यूस एफर्टमेटिव को लेकर के आगे हम बात पास करेंगे पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें जा रहा था जा रही थी वगैरह आया हुआ हो और उनमें नफी भी हो जैसे कि आप कहेंगे मस्जिद में खाना नहीं तकसीम किया जा रहा था आप कहेंगे आपको तकरीर के लिए नहीं बुलाया जा रहा था बल्कि किसी और काम के लिए बुलाया जा रहा था कुछ भी आप यहाँ पर ला सकते हैं और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि एक ही मिसाल को मैं जो है बार बार जिक्र करता हूँ मुख्तफ टेंस के हिसाब से ताकि आपको बात समझ में आ जाए अगर हम अलग अलग जुमले लाएंगे तो फिर हो सकता है आपको दिक्कत हो तो इसलिए आप उगताट के शिकार नहीं होंगे कि क्या इनको जुमला नहीं मिलता है क्या वही एक ही बात बार बार वही तो आ, ऐसी बात नहीं है बहुत सारे जुमले मिल सकते हैं मुझे लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं एक ही जुमले को हर टेंस में जिक्र करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नहीं आई हुई है यानी नहीं का इस्तेमाल किया हुआ लफ्ज नहीं का इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेगर डोवर को जाहिर किए हुए तो उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे उसके बाद हेल्पिंग हेल्पिंग और वॉज यॉट उसके बाद नॉट उसके बाद बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद दूगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने है मस्जिद में खाना नहीं तकसीम किया जा रहा था आपको तकरीर के लिए नहीं बुलाया जा रहा था तो हम कहेंगे

लेकिन अगर आप डुअर्ड को भी लाना चाह रहे हैं तो वही स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज ए वर्ड उसके बाद नॉट उसके बाद बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस को लिख देंगे दीगर वर्ड्स पाएंगे तो वहां पर आप ऐड कर देंगे मिसाल के तौर तो पर आप देख सकते हैं कि इसकी मिसाल अहमद खाना नहीं खा रहा था और कहेंगे मैं खतूत नहीं लिख रहा था तो एक्टिव वॉइस में कैसे कहेंगे आप कहेंगे अहमद वॉज नॉट टेकिंग फूड या नॉट ईटिंग फूड और पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप बनाएंगे फूड वॉज नॉट बींग टेकन बाय अहमद मैं खुदूत नहीं लिख रहा था तो हम कहेंगे आई वॉज नॉट राइटिंग लेटर्स एक्टिव वॉइस में ये बनेगा वॉइस में कैसे बनाएंगे लेटर्स वर नॉट बींग रिटर्न बाई मी अगर आप इसको सेक्शन में देखेंगे तो सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय फार्म बाई ऑब्जेक्टिव केस तो हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जरिए लिखेंगे वाज वर्ड को यहाँ पर लिखेंगे उसकी जगह पे उसके बाद नॉट को लिखेंगे उसके बाद बीइंग उसके बाद, बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद बाई उसके बाद डूअर को हमने लिखा और यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों की ऑब्जेक्टिव केस है हमद को हम हमेशा हमद ही लिखेंगे लेकिन चूंकि यहाँ पर आई था इस वाले में इसलिए हमने यहाँ पर मी का इस्तेमाल किया तो ये आपका पूरा खाका है या स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव को लेकर के आगे हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव के बारे में पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं जुमलों को कहा जाता था जिनमें जा रहा था जा रही थे रहा था वगैरह आए रहा था रही थी वगैरह आए और उसमें सवाल भी किया गया जैसे कि आप कहेंगे क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जा रहा था आप कहेंगे क्या मस्जिद में दर्ज दिया जा रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं जा रहा था वगैरह आया हुआ है और इसमें सवाल भी किया गया है तो इसको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेगर डूअर को जाहिर किए हुए तो हम यहाँ पर कहेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ड हेल्पिंग वर्ड में वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बींग उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर ध्यान देना आपको वाज वर्ड बींग को लेकर के वाज वर्ड और बींग को लेकर के बींग को यानी बकिया जो हिस्सा है हेल्पिंग वर्ब का उसको वर्ब से पहले लिखेंगे और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आपका जुमला लफ्जे क्या स्टार्ट हो जाए अरबी उर्दू वाला तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे हमेशा कायदा आप जहन में रखें फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके जहन में अजबर हो जाए अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में है क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जा रहा था हम कहेंगे क्या मस्जिद में दस दिया जा रहा था तो हम कहेंगे वर्ड देवाइटेड टू द पार्टी हम कहेंगे वॉज इन द मॉस्क और अगर इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब वर्ब सब्जेक्ट बीइंग की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स तो आप देख सकते हैं चू ये दोनों जुमले लफ्जे क्या से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए हमने डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया ठीक हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा बींग की जगह पे लिखा उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा और उसके बाद हमने दीगर वर्ड्स को यहाँ पर लिख दिया है तो हमारा पूरा क्या है पास्ट कंटिन्यूस इंटोगेटिव बगैर डूअर को जाहिर किए हुए लेकिन अगर आप डोर्ड को भी लाना चाह रहे हैं बताना चाह रहे हैं सामने वाले को तो हम कहेंगे सबसे पहले क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ड वाज ये वर्ड उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बींग उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस को हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा खाका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव का, का काम करने वाले के साथ साथ अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में है अहमद खाना कहाँ खा रहा था तुम सब खतूत क्यों लिख रहे थे तुम कहेंगे वेयर वाज अहमद टेकिंग अहमदेकिंग फूड एक्टिवाइज में बनेगा में बनेगा

उसके बाद हमने बींग को लिखा है उसके बाद वर्ड के थर्ड फॉर्म को लिखा है उसके बाद बाई को लिखा है और इसके बाद हमने डुअ को लिख दिया है तो ये आपका पूरा क्या है पाश कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव डुअ के साथ आगे हम बात करेंगे पाश कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के पास कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव उन जुम्मलों को कहा जाएगा जिनमें जा रहा था जा रही थी वगैरह आया और इसमें सवाल भी किया गया और साथ में नफी भी हो जैसे कि आप मिसाल में देख सकते हैं तुम्हारे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला जा रहा था क्या मेरा नाम स्टेज पर नहीं पुकारा जा रहा था तो आप देख सकते हैं इसमें नहीं है दोनों में इसमें सवाल भी किया गया है और इसमें जा रहा था जा रही थी वगैरह आया हुआ तो उसको बोलेंगे पाँच कंटिन्यूसोगेटिव नेगेटिव और अगर आप और गहराई में जाए तो इनके सब्जेक्ट का नहीं पता चल रहा था पेसी वाइज भी आप इनको जोड़ सकते हैं अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनका स्ट्रक्चर बगैर डोर के होगा क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ड वाज उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट उसके बाद बींग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद दीवर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे मिसाल के तौर तो पर हम कहेंगे तुम्हारे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला जा रहा था तो हम कहेंगे वाई वाज द डोर नॉट बींग ओपन फॉर यू क्या मेरा नाम स्टेज पर नहीं पुकारा जा रहा था तुम कैसे कहेंगे हम कहेंगे वाज माई नेम नॉट बींग स्टेज और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन और इसके बाद मदर वर्ड थर्ड अदर वर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा चूंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड था और यहाँ पर नहीं था इसलिए नहीं लिखा चूंकि ये डायरेक्टली लफ्जे कैसे शुरू हो रहा था इसलिए हमने स्टार्ट किया और हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया नॉट को हमने नॉट की जगह पर इस्तेमाल किया बीइंग को हमने बीइंग की जगह पर इस्तेमाल किया और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया और दीगर वर्ड पाए गए थे इनको हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया तो सारी मिसालें हैं पास्ट कंटिन्यूस इंटोगेटिव नेगेटिव को बिगर डूअर को लेकर के लेकिन अगर आप डोअ को भी दिखाना चाह रहे हैं तो इस सेक्शन होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वाज योर सब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ पर इसको लिखेंगे तो हमारा खाका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस इंटोगेटिव नेगेटिव का अगर हम इनकी मिसालें देखें तो इसकी मिसालों में है अहमद खाना क्यों नहीं खा रहा था और तुम खतूत क्यों लिख रहे थे तो एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे अहमद खाना क्यों नहीं खा रहा था वाई वाज अहमद नॉट टेकिंग या ईटिंग फूड हम इसको पेशे वाइज में कैसे बनाएंगे वाई वाज फूड नॉट बीइंग टेकन या ईटन बाय अहमद तुम खतूत क्यों नहीं लिख रहे थे तुम कहेंगे वाई वर यू नॉट राइटिंग लेटर्स ये एक्टिव वॉइस है पैसेवाइज में कैसे कहेंगे हम कहेंगे वाई वर लेटर्स नॉट बीइंग रिटन बाय यू अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब थर्ड की जगह पे लिखा है हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब वर्ब को हमने की जगह पे लिखा है सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है नॉट को हमने नॉट की जगह पे लिखा है और बीइंग को हमने बीइंग की जगह पे लिखा है और वर्ब के थर्ड फॉर्म को यहाँ लिखा है बाय को हमने यहाँ पर यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर डूअर को लिखा है तो कुल मिला करके वही बातें घुमा फिर के आ रही है। बस इनकी तारीफात अलग हो जाती है और इनके हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाते हैं बस यही फर्क है और नाम का फर्क है बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा जैसा कि मैं आपको शुरू हुई में पहले ही दिन बता दिया था लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी जाकर के आपका परफेक्ट होगा वरना सब कुछ जानते हुए भी हमसे गलतियां हो जाती हैं तो यहीं पर आज का हमारा ग्रामर का सबक खत्म हुआ और आज के सबक हमने क्या सीखा आज जो गुफ्तगु की, की थी वो पास्ट कंटिन्यूस के बारे में थी और हमने बताया पास्ट कंटिन्यूस किसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस जुमलों कहा जाता जिनमें रहा था रही थी रहे थे रही थी वगैरह आए तो उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस निशान के तौर पर आप कहेंगे आम खाया जा रहा था अपेंगे मेरी गाड़ी नहीं बेची जा रही थी पांच कंटिन्यूस का इस्तेमाल हम कब करते हैं पांच कंटिन्यूस का इस्तेमाल हम एक ही बारे में करते हैं जब माजी में कोई काम हो रहा था उसको आप बताना चाह रहे हो तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं पांच कंटिन्यूस की कुल चार किस्में होंगी पांच कंटिन्यूस अफॉर्मेटिव पांच कंटिन्यूस नेगेटिव पांच कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव पांच कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें पांच कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस में तो इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज बीइंग या वर्ड बींग वॉज बींग का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है इसी तरह से आई के साथ भी आप वॉज इस्तेमाल करेंगे और वर्ड बींग का इस्तेमाल पिरोल के साथ होता है और यू जो कि सिंगुलर आप इस्तेमाल करेंगे तुम अकेले के लिए उस वक्त भी आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे अगर हम इसके वर्ड की बात करें तो इसमें वर्ड के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर आप इसको स्ट्रक्चर में आकर देखेंगे तो वही स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट बीइंग वर्ड की थर्ड बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन की, की बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वारे वॉज यूर सब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब की और इनके आखिर में अगर आप डोर को लाना चाहते हैं तो बाय के साथ आप ऐड कर सकते हैं तो इस तरह से हमारा ये पूरा खाका हुआ किसका पास्ट कंटिन्यूस का वॉइस में तो ग्रामर का इस पर ख़त्म हुआ अब हम आपके सवाल लेते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको हम सुनते हैं ओके okay गाइज आगे चलते हैं और हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं दूसरा हिस्से एक्सरसाइज जो हो कि होमवर्क आप कह सकते हैं उस पर मुश्तमिल है और हम अपनी आजत के एतबार से वेवरी नफाजो मानी लेंगे और हमारा जो पहला वर्ड है वो है क्लच इसको हम क्लच बोलते हैं कॉस्ट साहिल कंट्रोल टावर कंट्रोल टावर।, टावर कस्टम्स कस्टम डैशबोर्ड डैशबोर्ड डेक जहाज का आरशानी जहाज का जो निचला हिस्सा होता है रिपोर्टिंग ट्रेन रवाना होने रही ट्रेन जो ट्रेन जाती है छोड़ करके उसको बोलते हैं इंजन इंजन इंक्वायरी पूछताछ इंक्वायरी इंक्वायरी ऑफिस 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 यानी पूछताछ पूछताछ वाली पे करते हैं दाखला एग्जिट खरूज यानी निकलने का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं एग्जिट ओके और जहां पर जाने का होता है उसका एंट्री लिखा रहता है ओके आगे चलते हैं और हम अल्फाजो मानी लेते हैं फाल से मुताल पहला हमारा वर्ड है प्रीच प्रीस्ट प्रीस्ट तबलीग करना प्रिफर्ड 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 तरजीह देना प्रिपेयर 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 तैयार करना प्रोग्रेस 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 तरक्की करना प्रोहिबिट प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड मना करना प्रॉमिस प्रोमिस प्रोमिस वादा करना प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड बचाना प्रूव Proved, proved proved साबित करना provide provided provided मुहैया करना عطا करना push pushed pushed धक्का देना या ढकेलना तो हमारे अल्फाज मुनीत एफअल से मुतलीक आगे चलते हैं और हम रोजाना इस्तेमाल होने वाले जुमले की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें से हमारा पहला जुमला है बहुत अच्छा वेरी वेल या वेरी गुड भी आप कह सकते हैं दोबारा आना विजिट अस अगेन बस एक मिनट में अभी आया हम कहेंगे आई एम कमिंग यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे तुम कहेंगे पुट इन टू योर येड यह क्या बकवास है तुम कहेंगे ऑल दिस आगे चलते हैं और हम मजीद लेते हैं जिसमें से हमारा पहला जुमला है क्या हुआ तुम्हें कहेंगे व्हाट्स द मेटर विद यू आपकी आवाज को क्या हुआ व्हाट्स द मेटर विद योर वॉइस क्या परेशानी है मेरे प्यारे वॉट्स ट्रॉवलिंग यू डर आपका यहाँ क्या काम है What's your business here? मुझे परवाह नहीं है Who cares? Who cares? तो हमारे रोजाना के इस्तेमाल होने वाले जुमले हुए अब हम आगे चलते हैं ग्राम एक्सरसाइज के लिए चंद जुमले है ये आपके जुमले है इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा पहला हमारा जुमला है माई फोटो वॉज बींग डिस्प्लेड इन द म्यूजियम वर्ड यू बींगस इन जेल They were not being permitted to enter the दे वर नॉट बींगू वाई वॉज योर सिस्टर बींग हॉस्पिटल शिफ्ट का मतलब painted at that time. Okay? तो आपके पास जुमले इनको आपको उर्दू में तर्जमा करना होगा आगे चलते हैं और मजीद जुमले हैं ये आपका जुमला है सारे के सारे जुमले उर्दू में इनको आपको इंग्लिश में करना होगा जिसमें से हमारा पहला जुमला है हमें अमेरिका बुलाया जा रहा था लेकिन हम नहीं गए तो हमें अमेरिका बुलाया जा रहा था आपका बनेगा लेकिन हम नहीं गए ये एक वाइस ही रहेगा क्या इस वक्त घर की सफाई की जा रही थी घर की सफाई की जा रही थी वही क्लीन द हाउस सफाई करना ठीक है क्लीन क्लीन द द होम या हाउस लेकिन पेसी वाइस में सफाई की जा रही थी हो गया राशिद को क्यों फोन किया जा रहा था बैग नहीं खोला जा रहा था क्या ट्रक में कचरा लादा जा रहा था तो ट्रक के लिए ट्रक लादने के लिए लोड ओके और कचरे के लिए गार्बेज ओके okay. तो ये जो जुमले हैं इनको आपको इंग्लिश में तर्जमा करना होगा पेसी वाइज क्लास करते हुए आगे हमारे जो जुमले हैं वो है इंग्लिश में इनको आपको पेसी वाइस में तब्दील करना होगा ये सारे के सारे जुमले एक्टिव एक्टिवाइज में हैं इनको आपको पेसी वाइज में तब्दील करना है पहला जुमला है दे वर रीडिंग बुक्स इन द रीडिंग हॉल आई वॉज नॉट कॉलिंग माई फादर एट दैट दाइम वॉज हु क्लास रूम वाई वॉज द टीचर नॉट टीचिंग द लेसन आई वॉज डाइलिंग यूर नंबर टू कॉल यू द प्रोटेस्टर वोइंगस एट द शॉप तो ये आपके एक्टिवइस है इनको आपका पेशीवाइज में तब्दील करना है तो इसी के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखत होते हैं वालेक वरहुल्लि वर्कात